को समझ में नहीं आया, झारखंड होने के बाद में पहला एक ऐसा व्यक्ति हम लोग समझे थे बाबूलाल जी को कि पूरे प्रदेश को चलाए, लेकिन राज ही नहीं चला पाया। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनका, उसके बाद दूसरा को बैठाया और उसके बाद में उसका पेंद्री जो देखे हैं एक जगह रहता नहीं है। वो अपने जो है लंचन आदमी, आज उसका मुख्य सलाहकार सुनील तिवारी हमारे खूंटी जिला के एक बच्ची से रेप करते हैं और उसको ये बाबूलाल मरांडी जो कि विपक्ष के अभी बहुत सम्मानित पद में विपक्ष के अपने आप को विधायक दल का नेता बोलते हैं, वो ऐसा बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं, तो इसका मंसूबा क्या है, इनका चरित्र क्या है? चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे में राज नहीं चलेगा बाबू। ये आदिवासी समाज, मूल वासी समाज ऐसे लोग को खदेड़ने का काम करेगी, ऐसी सरकार में जो छुप के रहते हैं चूहा जैसा उसको निकालने का काम करेगी। ये तो शुरुआती है, अभी देखते जाइए झारखंड का निर्माण करेंगे। ऐसे नौजवान लोग अब निकल चले हैं और झारखंड का हम लोग निर्माण करेंगे। फिलहाल आज एक संकेतिक है कि आप सप्ताह दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में उस बलात्कारी को गिरफ्तार करने का काम नहीं किया, इसका परिणाम बुरा होगा। कैसा बुरा होगा? झारखंड अशांत हो जाएगा। हम लोग खुद जो है जाके बलात्कारी को खोजने का काम करेंगे, चरण बरन आंदोलन शुरू करेंगे।